फरीदाबाद के भनकपुर गांव में 17 वर्षीय छात्र की हत्या के मामले में आज गांव वासियों ने कमिश्नर कार्यालय पर किया प्रदर्शन। पुलिस से हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की करी गई मांग। खुले मंच पर फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का ग्रामीणों को दिया आश्वासन। साथ ही आरोपियों की सूचना देने वाले को 50,000 का इनाम की करी घोषणा। सुनो, अगर किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो हर सिविल का आदमी के पास पुलिस की पावर है उसको अरेस्ट करने की। अगर कोई कहता है भी घर में रुक रहे हैं तो पुलिस को भी फोन कर सकता है, वो बता सकता है और खुद भी पकड़ सकता है। मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और पुलिस ने तो सबके दरवाजे, जितने दरवाजे हैं सब तोड़ के देखे हैं। एक एक दरवाजा जो बंद है उसको तोड़ के पूरा चेक करके सब कुछ करके देखा है। जो भी पुलिस के पास फुल पावर है, हमारे पास बहुत सारी जो पावर्स हैं सारी हम फुली यूज़ कर रहे हैं और उनको जल्द गिरफ्तार करेंगे। और अगर कोई भी इनको पनाह देगा तो 100% वो हवालात के सलाखों के पीछे होगा। साथ में मैं इस फोरम पे ये भी अनाउंस करता हूँ कि जो इनके बारे में सूचना देगा, एक भी बंदे के बारे में सूचना देगा कि ये यहाँ पे और उसको पकड़वाने में मदद करेगा तो पुलिस की तरफ से उसको 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो इस फोरम पर मैंने मीडिया के माध्यम से इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको एक एक को पकड़वाने में, जो भी सूचना देगा या पकड़वाएगा उसको 50,000 रुपये का इनाम पुलिस की तरफ से दिया जाएगा। सर, जो तो कार्रवाई और इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, ठीक है। डीसीपी क्राइम को मैंने अभी नोडल अफसर लगा दिया है। इसका सारी हमारी क्राइम टीम का एक ही टास्क है कि जल्द से जल्द इनको पकड़ो। 12 क्राइम टीम में बहुत बड़े बड़े केस हमने ट्रेस किए हैं। अभी सराय में एक 3-4 लोग गोलियां चला के मार दिया, मतलब एक बंदे को वो कर दिया था व्यापारी के साथ, वो भी ट्रेस कर दिया। तो हमारी जबकि अननोन थे, यहाँ तो नोन है, कोई चक्कर ही नहीं है कि भाई ऐसा है कि ढूंढने में किसने किया, हमने ये तो पता है कौन लोग हैं, इसमें तो कोई लंबी जोड़ी बात ही नहीं है। ये हो सकता है कि कई बार मुलजिम दूर निकल जाए, कुछ हो जाए, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत में हमारी कोई कमी नहीं आएगी। और जल्द से जल्द जितना जल्दी हो पाएगा वो हम करेंगे। और आप में से मदद करो, आप अगर कोई बता रहे हो घर पे अगर पकड़वाओगे 50,000 रुपये, मैं दूंगा यहीं पे बुला के सबको सम्मानित भी करूंगा और 50,000 रुपये भी दूंगा। तो मीडिया के माध्यम से दो चीज़ें मैंने कह दी, एक तो जो पकड़वाने की मदद करेगा उसको 50,000 रुपये का इनाम, दूसरा जो शरण देगा वो हवालात के भीतर 100%। तो ये मैं आज सबको यहाँ पे कहना चाहता हूँ।